हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस का महत्व तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं लाइन पैरामीटर ये प्रचार जो होता है पैरामीटर को बोलते हैं लाइन पैरामीटर प्रतिरोध का महत्व इसके किसी भी प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिरोध के प्रभाव को नगण नहीं किया जा सकता है जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको हम नगण नहीं कर सकते हैं इसलिए इसके प्रभाव देख लेते हैं प्रतिरोध के बढ़ने से लाइन की संपूर्ण प्रतिबाधा बढ़ती है क्योंकि z इज इकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और रोड लगा होता है तो ये क्या होता है इसकी प्रतिबाधा को हम z से प्रदर्शित करते हैं ये हमारी बढ़ती है अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिरोध के कारण लाइन में वोल्टेज पाथ मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता है जो लाइन में संपूर्ण वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाता है इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण ओके okay, अब नेक्स्ट है प्रतिरोध के कारण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन निर्बल रहता है मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा वो निर्बल रहेगा निर्बल का मतलब होता है कम हो जाएगा अब नेक्स्ट है प्रतिरोध के कारण लाइन का पावर फैक्टर बढ़ता है पावर फैक्टर कॉस्ट फाइ इजिकल टू आर अपॉन जेड इसमें क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा ओके अब नेक्स्ट है प्रतिरोध के कारण लाइन में बैद्युतहानियाँ बढ़ती हैं मतलब पावर लॉसेस बढ़ते हैं प्रतिरोध के कारण लाइन में दक्षता घटती है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है प्रतिरोध के कारण लाइन में किसी प्रकार की एनर्जी स्टोर नहीं होती है अब जो रेजिस्टेंस है उसके कारण हमारी लाइन में कोई भी रजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं होगी अब नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टेंस इंडक्टेंस क्या होता है जब किसी लूप में एसी करंट प्रवाहित होती है तो उस लूप में फ्लक्स होता है अब जब हम एसी करंट प्रवाहित करेंगे तो उसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा यह फ्लक्स एसी करंट के ईएमएफ का विरोध करता है और जो ये जो ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल इसका हमारा विरोध करेगा एसी करंट कंडक्टर का यह गुण इंडक्टेंस कहलाता है और यही गुण हमारा इंडक्टेंस कहलाता है इसे एल से प्रदर्शित कर, करते हैं आगे देखते हैं यदि ट्रांसमिशन लाइन में दो तो पैरल कंडक्टर के रूप में एक आयताकार लूप बनाए तो इसका बहुत अधिक फ्लक्स उत्पन्न होता है जिससे इंडक्टेंस बढ़ता है यह जिससे इंडक्टेंस इंडक्टेंस बनता है, यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है तो इसके कारक देख लेते हैं कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, है ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई लंबाई बढ़ने पर इंडक्टेंस बढ़ता है अब है कंडक्टर के बीच का स्थान मतलब जो कंडक्टर बीच की दूरी होती है वो यदि लूप में स्थित दो पैरल कंडक्टर के बीच दूरी बढ़ाई जाए तो इसका इंडक्टेंस बढ़ता है यदि हम दूरी को बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर की त्रिज्या, मतलब जो होती है कंडक्टर कितना मोटा है उसकी त्रिज्या, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का आकार बढ़ाने पर उसका इंडक्टेंस घटता है अब अगर हम यदि हम उसका कंडक्टर मोटा कर देंगे तो उसका आकार घटेगा ओके इंडक्टेंस भी घटेगा उसका तो नेक्स्ट देखते हैं सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर ए तथा बी के बीच की दूरी डी मीटर तथा कंडक्टर की त्रिज्या आर मीटर है तब एक प्रति मीटर की सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का लूप क्या होगा तो ये एक हमारा क्वेश्चन है देखिए फिर से देख लेते हैं सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है कंडक्टर ए और बी दो कंडक्टर हैं हमारे उसमें ए तथा बी उनके बीच की दूरी क्या है डी ओके okay? और जो कंडक्टर की त्रिज्या है वो आर है और प्रति मीटर लंबाई के सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का लूप इंडक्टेंस ओके तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से तो हमारे ये एक ये कंडक्टर हो गया ये तो इसको मान लिया मान लो ए ये हो गया बी तो ये दो कंडक्टर हो गए ए और इसकी त्रिज्या सेम है आर आर बीच की दूरी डी है ठीक है तो ये हमारे दो कंडक्टर हो गए तो ये हो जाएगा एल वन फाइव तो सिंगल फेज है तो इसलिए हम लिखेंगे वन इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस नाइन पॉइंट टू वन जेड लॉग टेन डी अपॉन आर तो यहाँ पे ये यह जो डी है दूरी है ये एक फॉर्मूला होता है इन टू टेन टू दी पावर माइनस सेवन हैनरी ओके तो ये डी हमारा यहाँ पर डी है डी की दूरी हमारी डी होती तो हम यहाँ डी लगा देते आर डी होती तो आर लगा देते यदि अब D जो होता है डी वन टू मतलब ये वन और टू ओके okay? अभी तो ये हमारा ये एक फार्मूला है अब हम तीन कंडक्टर के बीच ले लेते हैं तो चलिए देखते हैं हम तीन कंडक्टर के बीच के स्टेप से होगा ये तो दो कंडक्टर के बीच था तो दो कंडक्टर के बीच तो ये हो गया फार्मूला अब तीन कंडक्टर के बीच हमारा क्या निकलेगा ये है मैं से मान लिया ए बी सी इनके बीच की दूरी डी है ये डी है ये त्रिज्या आर है तो इसको हमने दे दिया नाम इनके बीच की वन टू टू थ्री 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 वन ओके तो मान लीजिए ये सब इक्वल नहीं है ओके क्यों इक्वल होती तो हम डी डी भी मान सकते थे अब ये इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है तो d इज इक्वल टू इसका क्यूब हो जाएगा क्यूब डी वन टू d टू थ्री d थ्री वन ओके अब इक्वल डिस्टेंस अगर होगी अगर हमारी अब ये अनइक्वल है तब ये माना जा रहा है अगर इक्वल होगी तो इक्वल में तो हम d लगा देंगे ये पूरा सेम फॉर्मूला थ्री फेज में तो ये तो थ्री फेज में वन टू थ्री तो थ्री फेज में ये ले लिया अब हमारा यहाँ पर डी इक्वल है तो ये हैंनरी ये आ जाएगा ओके अब अनइक्वल डिस्टेंस में देख लेते हैं तो अनइक्वल डिस्टेंस में क्या होगा वन अपॉइंट टू फोर पॉइंट सिक्स जीरो जीरो लॉग टेन डी अपॉइंट आर इन टू टेन टू पावर माइनस सेवन H, तो अनइक्वल डिस्टेंस में हमारा ये फार्मूला होगा और इक्वल डिस्टेंस में ये फार्मूला होगा तो फ्रेंड्स ये हमारा ये प्रॉपर फार्मूला होता है पहले से वैसे तो ये पहले प्रूफ करवाया जाता था बट अब हमारे न्यूस लेवर्स में ये प्रूफ नहीं कराया जाता है ये डायरेक्ट दिया हुआ है बुक्स में तो इसलिए हम इसे प्रूफ नहीं कराएंगे ये डायरेक्ट लिखेंगे हम ओके okay? तो आगे देखते हैं हम क्या है अब है हमारा इंडक्टेंस का महत्व मतलब प्रेरकत्व का महत्व तो देखते हैं किसी भी प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन से इंडक्टेंस के प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस को नगण्य नहीं कर सकते उसी प्रकार हम इसे भी नगण्य नहीं कर सकते इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में निम्न प्रभाव होते हैं तो चलिए प्रभाव देखते हैं प्रेरकत्व के कारण लाइन की प्रतिबाधा बढ़ती है इसमें क्या है लाइन की प्रतिबाधा बढ़ेगी प्रेरकत्व के कारण लाइन तथा लाइन का शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर घटता है इसमें उसमें क्या हो रहा था रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर बढ़ रहा था अब इसमें पावर फैक्टर हमारा घटेगा तो चलिए कॉस फाइव इजिकल टू आर अपॉन जेड ये एल बढ़ेगा एक्स एल बढ़ जाएगा फिर और जेड बढ़ेगा तो कॉस फाइव भी ये घट जाएगा ये कॉस फाइव घट रहा है इस तरीके से अब नेक्स्ट है थ्री प्रेरकत्व के कारण या प्रेरकत्व के प्रभाव से शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा ओके पावर फैक्टर क्या होगा पश्चिगामी प्रेरकत्व के कारण लाइन में पाथ बढ़ता है मतलब इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा प्रेरकत्व के कारण वोल्टेज नियमन बढ़ता है ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इसमें बढ़ेगा ओके नेक्स्ट है प्रेरकत्व के कारण लाइन में वैधानियाँ शून्य होंगी इसमें पावर लॉसेस नहीं होंगे और प्रेरकत्व के कारण लाइन की दक्षता घटती है इसमें एफिशिएंसी घटेगी उसमें क्या था एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही थी प्रेरकत्व के कारण लाइन में वैद्युत धारा के रूप में ऊर्जा संग्रह हो जाता है और इसमें जो इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस होता है उसके कारण क्या होता है वैद्युत धारा के रूप में मतलब इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जो ऊर्जा संग्रह हो जाती है तो ये तो था हमारा इंडक्टेंस का महत्व अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में कैपेसिटेंस क्या होता है कैपेसिटेंस का महत्व तो चलती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय